हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किड्स शॉर्ट टॉप की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है। ये जो टॉप है हम जीन्स के ऊपर इसे वेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए मेन फैब्रिक मैंने 1 मीटर लिया है, जॉर्जेट का फैब्रिक है, और लाइनिंग का फैब्रिक हमें यहाँ पे ये भी हमें 1 मीटर लगेगा, उससे कम लगेगा, हाफ मीटर तक ले लेंगे हम। सबसे पहले हम लाइनिंग के पार्ट के ऊपर कटिंग करेंगे। तो देखिए, लाइनिंग का फैब्रिक यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में रखा है। ये जो है फैब्रिक की 2 लेयर है अभी। अब इसे हमें क्या करना है, सिंपली देखिए 4 फोल्ड में कर लेना है। आपको जितनी भी टॉप के अस्तर की लेंथ रखनी है उतना फैब्रिक आपको यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक 4 फोल्ड में कर लिया है अच्छे से। इसकी लेंथ मैं दिखाई देती हूँ। तो लेंथ है यहाँ पे 16.5 इंचेस इसकी लेंथ है। देखिए, ये जो ऊपर वाली साइड है वहां पे लेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। तो शोल्डर है यहाँ पे 5.5 इंचेस शोल्डर है, 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। वहीं से सीधे नीचे आर्महोल के लिए मार्क करेंगे। तो आर्महोल यहाँ पे रेडी हमें रखना है 5.5 इंचेस, प्लस इसमें 1/2 इंच ले लेंगे तो 6 इंचेस पर आर्महोल के लिए मार्क करेंगे। यहाँ से चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट आपकी जो भी है उसे डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए बेबी की। तो यहाँ पे 7.5 इंच पर मैं मार्क करूंगी। 7.5 इंच पर मार्क कर लेंगे चेस्ट के लिए। अब देखिए, यहाँ से हमें जितनी भी मार्जिन लेनी है तो यहाँ पे मैं 2 इंच भी मार्जिन ले लूंगी, ताकि ज्यादा दिन ये टॉप जो है बेबी वेयर कर सके। आप यहाँ पे 1.5 इंच तक मार्जिन ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आपको जितनी रखनी है उतनी ले सकते हो। बॉटम पार्ट है वहां पे हम 8.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। ये आपके आपको जितने भी टॉप की घेर चाहिए बॉटम वाले साइड में उतना आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो ऊपर का हिस्सा है उससे चेस्ट और वेस्ट से ज्यादा यहाँ पे बॉटम ले लिया है। देखिए ऐसे, आप चाहे तो ऐसे सीधा इसी सीधी भी लाइन जो है ड्रॉ करके इतना घेरा भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस में जो लाइन एक्सटेंड की है उसी के अकॉर्डिंग मैं कटिंग करूंगी। अब देखिए, सबसे पहले आर्महोल के लिए मार्क करेंगे। तो फ्रंट आर्महोल के लिए 1 इंच पर मार्क करेंगे, बैक आर्महोल के लिए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए ऐसे नेक की मार्किंग करेंगे, जैसे यहाँ पे आर्महोल के लिए मार्किंग की है। आर्महोल स्केल की हेल्प से यहाँ पे शेप जो है ड्रॉ करेंगे। स्केल को आपको सिर्फ यहाँ पे फिक्स कर लेना है अच्छे से सेट करते हुए। और देखिए, अब यहाँ पे मैं बैक आर्महोल जो है उसका शेप दे दूंगी एज इट इज। तो ये हो गई हमारी आर्महोल की मार्किंग। अब देखिए, नेक की मार्किंग कर लेनी है। तो नेक यहाँ पे डीप रखेंगे हम 2.5 इंचेस लगभग। नेक डीप रखना है यहाँ पे 3.5 इंचेस। देखिए 3.5 इंचेस से 4 इंचेस तक आप इसे रख सकते हो। देखिए मार्किंग कर ली है और यहाँ पे स्क्वायर शेप जो है ड्रॉ कर लिया है। अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा भी शेप जो है ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं राउंड शेप जो है ड्रॉ कर लूंगी फ्रंट पार्ट के लिए। देखिए ये हो गया फ्रंट पार्ट का नेक। अब देखिए बैक पार्ट कितना डीप रखना है। तो बैक पार्ट का जो नेक है यहाँ पे हम 2.5 इंचेस तक ले लेंगे, और यहाँ पे भी हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए शेप जो है ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर साइड 1/2 इंच जो है डाउन कर लेंगे। अब एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले बैक आर्महोल की कटिंग करेंगे और बैक नेक की कटिंग करेंगे, दोनों पार्ट सेपरेट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब हमें बैक पार्ट को सेपरेट कर लेना है, और जो भी फ्रंट वाला पार्ट है इसे ऐसे रख लेना है। फिर से अब हमें फ्रंट आर्महोल और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेनी है। फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक जो है मैंने ओपन कर लिया है और फैब्रिक अभी डबल फोल्ड में है, और ये जो है किनारी वाली साइड है। और यहाँ पे प्रिंट देख सकते हो आप, प्रिंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे नीचे वाली साइड है। तो सबसे पहले हमें जितना चाहिए उतना ही फैब्रिक हम 4 फोल्ड में कर लेंगे, ताकि साइड का जो फैब्रिक है वो हमारा बच जाए। तो देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को अच्छे से मिला लीजिए, किनारे से किनारी यहाँ पे मिलनी चाहिए। देखिए जो मेन फैब्रिक है वो मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है, और यहाँ पे बैक पार्ट लिया है, और एक लाइन जो है सबसे पहले ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, और हमें लेंथ देखनी है। तो यहाँ पे देखिए 19 इंचेस का लगभग हमें ये टॉप जो है रेडी कर लेना है। तो 20 इंच तक यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब एज इट इज ड्राफ्टिंग कर लेंगे। देखिए सबसे पहले बैक पार्ट पर बैक पार्ट की जो है कटिंग करेंगे, उसके बाद दोनों पार्ट सेपरेट करते हुए हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ये जो है नीचे वाला पार्ट वो भी हमें लेना है। यहाँ पे नेक की मार्किंग कर लीजिए सबसे पहले। ये हो गए बैक नेक की मार्किंग। फ्रेंड्स, अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस पार्ट को जो है साइड में करेंगे, और जो भी मार्किंग कर रखी है हमने देखे उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। ऐसे ही फ्रंट वाले पार्ट की भी हमें कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले बैक पार्ट, और दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट को हमें सेपरेट कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। मेन फैब्रिक यहाँ पे मैंने सीधा रखा है। ये जो है सीधी साइड है और ये जो है उल्टी साइड है। सीधी साइड के ऊपर हमें लाइनिंग का पार्ट रखना है। देखिए लाइनिंग का पार्ट एक्यूरेट मैच करते हुए यहाँ से सबसे पहले जो नेक का पार्ट है उसे स्टिच करेंगे, और दोनों आर्महोल पार्ट जो है उसे स्टिच कर लेंगे।
फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है, आप देख सकते हो। अब हम इसे नेक पार्ट और आर्म होल पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों हमने स्टिच कर लिए हैं। बैक पार्ट में सेंटर की साइड से ऐसा जो है की होल रखा है या फिर बटन होल जो है हमने बना लिया है। अब देखिए नेक पार्ट के ऊपर ऐसे नॉचेस लगा लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है अगर तो उसे कट कर लीजिए। आर्म होल पार्ट के ऊपर इस टॉप में हमने आर्म होल इसलिए स्टिच कर लिए है ताकि ये जो जॉर्जेट का फैब्रिक है उसके धागे बहुत सारे निकलते हैं, तो आर्म होल पार्ट में बच्चों को ये चुभता है, इसलिए एज इट इज इसे हम सीधी साइड टर्न करेंगे। फैब्रिक को हम सीधी साइड टर्न कर लेंगे अच्छे से और ऊपर से टॉप स्टिचेस लगा लेने हैं। दोनों पार्ट्स हमने सीधी साइड टर्न कर लिए हैं, आप देख सकते हो। अब देखिए टॉप स्टिचेस लगा लेने हैं आर्म होल पार्ट नेक पार्ट के ऊपर, वैसे ही इस बैक वाले पार्ट में भी। और देखिए यहाँ ये जो की होल हमने बनाए हैं यहाँ पे भी हमें टॉप स्टिचेस जो है लगा लेने हैं। और ये जो लूप है ये भी इनविजिबल टाइप से हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों पार्ट्स में हमने टॉप स्टिचेस जो है लगा लिए हैं नेक पार्ट और आर्म होल पार्ट के ऊपर। अब देखिए दोनों मेन फैब्रिक आमने सामने रखते हुए ऐसे सबसे पहले हमें शोल्डर की जो है फिटिंग कर लेनी है। देखिए शोल्डर फिटिंग कर लेंगे, उसके बाद साइड से जो भी हमने मार्जिन ली थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिन के अकॉर्डिंग बॉटम पार्ट तक इसे स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से। अगर अस्तर तो यहाँ पे किनारी वाली साइड है इसलिए इसे फोल्ड नहीं करेंगे, और यहाँ पे भी किनारी वाली साइड है तो इसे भी फोल्ड नहीं करेंगे। यहाँ पे आप पीको भी करवा सकते हो आपके अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेंड्स टॉप को यहाँ पे फिटिंग कर ली है, दोनों साइड से इसे अच्छे से फिटिंग हो चुकी है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए स्लीव्स के लिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप में फैब्रिक जो है कट कर लिया है रिमेनिंग फैब्रिक में से, और यहाँ पे दो जो स्क्वायर है हमारे पास रेडी है दो स्लीव्स के लिए। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है देखिए इसे और एक बार फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा फैब्रिक हो गया फोर फोल्ड में, अच्छे से सेट कर लीजिए, इसके चारों तरफ मिलने चाहिए। अब इसे और एक बार फोल्ड करेंगे तो ये हमारा आठ फोल्ड हो जाएगा। देखिए ये जो है आठ लेयर बन जाएगी, आपको दिखाई देती हूँ। दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फोल्ड में यहाँ पे फैब्रिक है हमारे पास, ऐसे फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड में फैब्रिक रखा है, अब हमें क्या करना है कि स्लीव्स की लेंथ देखनी है। आपको जितनी भी स्लीव्स की लेंथ रखनी है आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे पूरा फैब्रिक जो है 6 इंच तक आ रहा है, तो नीचे की साइड से पीको करने में हमारा आधा इंच चला जाएगा, तो साढ़े पांच पांच इंच तक यहाँ पे साढ़े पांच इंच की यहाँ पे मैं मार्किंग करूंगी। सबसे पहले देखिए स्लीव्स जो बनेगी वो 5 इंच की रेडी हो जाएगी। तो साढ़े पांच इंच पर पूरा सर्कल जो है हाफ सर्कल हमें बना लेना है, सिर्फ इंच टेप को घुमाना है इस पार्ट के ऊपर अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मार्किंग कर ली है, मैं डार्क कर लेती हूँ मार्किंग थोड़ी सी ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये हो गई हमारी मार्किंग, एज इट इज इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे हम। कटिंग होने के बाद देखिए हमारे पास ऐसे दो सर्कल जो है रेडी है दोनों स्लीव्स के लिए, अच्छे से सर्कल जो है रेडी है। अब हमें इसे और एक बार फिर से फोल्ड करेंगे अच्छे से, देखिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर से इसका सेंटर मेजर कर लीजिए। तो ये हो गया इसका सेंटर। अब सेंटर वाले पार्ट से हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट जो है मेजर कर लिया है। अब देखिए ये जो वाला पार्ट है वहां से हमें 3 इंच पर एक मार्क कर लेना है। फुल सर्कल अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग करनी है हमें यहाँ पे, तो 3 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेंगे अच्छे से, अच्छे से मिला लीजिए और यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लीजिए। पहले इस पार्ट को पिन से सिक्योर कर लिया है, अब ये कहीं भी मूव नहीं होगा हमारा पार्ट। अब हमें टॉप लेना है और इंच टिप को शोल्डर साइड रखना है, आर्म होल साइड जो है वहां पे इंच टिप को हल्के से हमें ऐसे घुमाते घुमाते पूरे आर्म होल का जो है मेजरमेंट लेना है। तो देखिए यहाँ पे लगभग 7.5 इंच, देखिए 7.5 इंच जो है मेरा मेजरमेंट आ रहा है। तो इसे डबल फोल्ड करेंगे 7.5 इंच, एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हो गया 14.25 इंच, कितना हो रहा है 14.25 इंच। और इसे और एक बार हमें फोल्ड कर लेना है अच्छे से, तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है ये अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग करने का। तो इसे ऐसे ही इंच टेप को रखेंगे एज इट इज और मार्किंग कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे इंच टेप को मैंने गोलाई में ही रखा है, बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं रखा है, देखिए ऐसे। और यहाँ पे अब हमें मार्किंग कर लेनी है चॉक की हेल्प से, बिल्कुल सीधा रखिए टेप जो है इसे गोलाई में पकड़ते हुए। देखिए यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है, अब इस मार्किंग को डार्क कर लेंगे तो ये हो गया हमारा आर्म होल का पार्ट। अब एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे, जैसे मार्किंग की थी उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर ली है। अब हम आपको स्लीव्स जो है ओपन करके दिखा देते हैं।
तो ये हो गए हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो स्लीव्स है उसका पूरा जो बॉटम है इसे पिको कर लेना है, पूरे बॉटम को सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों स्लीव्स में हमने साइड से जो है पिको कर लिया है दोनों स्लीव्स को। अब देखिए इसका सेंटर कर लीजिए, स्लीव्स का जो है सेंटर कर लीजिए, परफेक्टली मैच होना चाहिए यहाँ पे। ये हो गया स्लीव्स का सेंटर। अब देखिए इस पार्ट को, ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये स्लीव्स बनेगी और ये जो है नीचे आर्मोल साइड में ज्वाइंट हो जाएगा हमारा। जो सेंटर है स्लीव्स का उसे हमें आर्मोल पार्ट के ऊपर रखना है। देखिए आर्मोल का सेंटर और स्लीव्स का सेंटर मैच कर लीजिए यहाँ पे, और ये जो स्लीव्स है पूरे राउंड में यहाँ पे हमें अटैच करते जाना है। अगर कहीं पे भी आपकी जो स्लीव्स है ज्यादा हो रही है या कम हो रही है तो आपको सिर्फ नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे कहीं पे भी प्लेट लेनी है। एक प्लेट लेते हुए आपको ये जो स्लीव्स है वो ज्वाइंट कर लेनी है। देखिए ऐसे, कभी कभी फैब्रिक के ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो ये देखिए पूरी स्लीव जो है इसे राउंड पार्ट में हमें अटैच कर लेनी है। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी स्लीव जो है टॉप में अटैच कर लिए हमने, और यहाँ पे ब्यूटीफुल डिजाइन बटरफ्लाई स्लीव्स टॉप जो है हमारा बनके रेडी हो चुका है। वेस्टर्न टॉप है ये, जीन्स के ऊपर आप इसे ट्राई कर सकते हो और बहुत ही प्यारा इसे लुक जो है आ चुका है। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।